ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। दोस्तों, सूर्य ग्रहण होने वाला है और सूर्य ग्रहण होने से पहले कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए ताकि आप अपने जीवन में सूर्य ग्रहण का सकारात्मक फायदा उठा लें, क्योंकि सूर्य ग्रहण हो रहा है 25 अक्टूबर को। लेकिन सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है होने से एक माह पूर्व और होने के एक माह बाद तक रहता है, यानी कि वो जो ड्यूरेशन होता है लगभग 55 दिनों का होता है और उन 55 दिनों में बहुत सी चीज़ें अप एंड डाउन हो सकती हैं। तो अभी वो ड्यूरेशन शुरू हो चुका है, क्योंकि सूर्य ग्रहण तो 25 तारीख को है लेकिन वो ड्यूरेशन जो काउंट डाउन है वो शुरू हो चुका है। तो कौन सी चीज़ें होगी, कौन सी चीज़ों से बचना है, क्या क्या चीज़ें इस ग्रहण के माध्यम से सूर्य ग्रहण के तौर पर होगा और क्या चीज़ें हमारे साथ घटित हो सकती है, ये पूरी चीज़ें आप विस्तारपूर्वक इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आपको सही और सकारात्मक जानकारी मिले जिससे आप अपने जीवन में एक सकारात्मक फायदा उठा सके। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े। कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखे। अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, उसका फीस शुल्क लागू है। सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को है जो तुला राशि में होने वाला है, साथ ही साथ इसका प्रभाव आपकी राशि पर भी होगा, जिससे कि आंशिक सूर्य ग्रहण है ये, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज्यादा मात्रा में आपके जीवन पर दिखाई देगा, आपके आर्थिक पहलुओं पर, रोजगार पर, आपके दाम्पत्य पर, आपके मन शांति के ऊपर और आपके जीवन की वो सभी कामों के ऊपर इसका इम्पैक्ट दिखाई देंगे। तो हम बारी बारी से हर एक विषय पर आपको विस्तार से इस वीडियो से बताते हैं। सबसे पहले आर्थिक तौर पर इस ग्रहण के जो अभी इस वक्त शुरू हो चुका है, आप समझिए मैं जो बातें बता रहा हूं, आने वाले 55 दिनों को ध्यान में रखकर समझे। आर्थिक तौर पर आपको साथ चीजें बदलेगी, जैसे ग्रहण के पास तक आप जाएंगे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मजबूत होने से मतलब पैसा आएगा, अगर आप कहीं भी तौर पर पैसा रुका हुआ है, फंसा हुआ है, पैसा आकर फ्लो में होगा। और सूर्य ग्रहण के बाद, जैसे ही ग्रहण हुआ उसके बाद आर्थिक स्थिति में और ज़्यादा तेजी आएगी। मतलब अभी जो स्थितियाँ हैं उसमें धीरे 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 आपको 8 दिन 10 दिन में आप खुद अनुभव करेंगे, आर्थिक स्थिति स्टेबिलिटी जो है हमारी बढ़ेगी धीरे 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 धीरे, इसमें एक बदलाव होगा और फिर पिक पर जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि रुका हुआ धन है या उधार दिया हुआ धन है या कर्जा है या इस तरह के जिस भी हम धन से संबंधित दिक्कतों में फंसे हुए हैं, इनसे निकलने का एक बहुत बड़ा समय है ये और बहुत से जातक निकलेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो भी आर्थिक तौर पर बहुत से लोग फंसे हुए हैं ना, वो इस दरमियान निकलेंगे। तो एक पॉजिटिव साइन है ये चीज़ों को लेकर, तो ये हमेशा याद रखना। दूसरा हो गया जैसे रोजगार, नौकरी, व्यापार, इन सभी चीज़ों में वृद्धि तो होगी लेकिन इनमें अनचाही रुकावटें आएगी। अनचाही रुकावटें से मतलब है या तो कोई कानूनी हो गई या कोई टेक्निकल चीज़ें हो गई या किसी व्यक्ति द्वारा हमें हार्म पहुंचाना चाहता है, तो ऐसी चीज़ें हमारे साथ होने की संभावनाएं रहती हैं, धोखाधड़ी जिसे हम कह सकते हैं व्यापार रोजगार इन चीज़ों में। तो थोड़ा सतर्क हमें अतिरिक्त रहना है चीज़ों को लेकर, हमारा दिमाग खुला रखें, चीज़ों को बहुत बारीकी से समझें और कोई भी चीज़ जल्दबाजी में न करें, व्यापार या रोजगार में बहुत शांति से करें इन 55 दिनों में, क्योंकि सूर्य जो है वो न्याय के भी देवता है और वो जो अगर आप इस तरह की किसी भी चीज़ में जाएंगे तो कई सारी तकलीफें बहुत लंबे वक्त के लिए आपके साथ हो सकती है, तो ऐसा न करें, मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ। तीसरा जो हो गया कि दाम्पत्य में और जो विवाद है, मतलब दाम्पत्य को आप विवाद से भी जोड़कर देख लो कई सारे, कि जिनके पति पत्नी के बीच तनाव है या पारिवारिक भाई भतीजों में या इस तरह की लड़ाई झगड़े जितनी सारी चीज़ें हैं, इन सभी में आप एक कंक्लूशन पर पहुंचेंगे, मतलब एक चीज़ पर पहुंचकर चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो ये कुछ पॉजिटिव साइन आपके साथ होंगे।